काठ नगर पंचायत में विकास कार्यों के मामले में वार्ड नंबर 13 में अब बंदर बांट पैसों को लेकर शुरू हो चुका है। आपको बता दें, इंटरलॉकिंग में घटिया सामान का प्रयोग का आरोप लगाते हुए नगर पंचायत के समस्त सभासदों ने हंगामा काटा तो ठेकेदार ने काम रोक दिया। इस दौरान जमकर नारेबाजी की गई। नगर पंचायत के समस्त सभासदों ने पदाधिकारियों को पत्र भेजकर निर्माण कार्य में बरती जा रही लापरवाही की जाँच कराकर कार्यवाही किए जाने की मांग की है। मिली जानकारी के मुताबिक नगर पंचायत काठ के वार्ड नंबर 13 में इंटरलॉकिंग निर्माण कार्य विगत कई दिनों से कराया जा रहा है। कार्य अभी तक खत्म नहीं हुआ कि सड़क में लगाई जा रही इंटरलॉकिंग टाइल्स मानक के अनुरूप हो रहे कार्यों को देख स्थानीय लोग भड़क गए। स्थानीय लोगों ने विकास कार्य में लगाई जा रही घटिया सामग्री की सूचना नगर पंचायत के सभासद को दी। सूचना पाकर मौके पर पहुंचे नगर पंचायत के सभी सभासद मामले को देखकर भड़क गए और निर्माणाधीन रास्ते पर एकत्र होकर काम रुकवा दिया और प्रदर्शन भी शुरू कर दिया। सभासदों ने घटिया सामग्री से बनी सड़क पर आपत्ति जताते हुए जांच व कार्यवाही की मांग की है। प्रदर्शन करने वालों में नगर पंचायत के सभासद मनोज चौहान, वसीम अहमद, शीश पाल सैनी, नसीम अहमद, चमन सिंह, शकील अहमद, खलील अहमद, इकबाल अहमद, रहीस अहमद आदि लोग शामिल रहे। मेरा नाम बबलू। आप कहाँ से? मैं काठ से। क्या मामला है रोड को? रोड को लेकर ये मेंबर लोग सब इकट्ठे हुए हैं और बोल रहे हैं कि मानक दिखाओ। आप ठेकेदार हैं जी? क्या मानक है? मानक बिल्कुल हमारे पास है, जो मानक है उसी के आधार पर काम कर रहा है। कितनी बजरी पड़नी है और कितना है? 4 इंची बजरी है जस्ट के साथ, 4 इंची है पूरी। ये आपस में पता नहीं इनका क्या विवाद चल रहा है, ये हम नहीं जानते। ये जान सकते हैं नगर पंचायत कार्यालय जाने के बाद हम अपने मानक बिल्कुल पूरे मानक के अनुसार काम कर रहे हैं। आरोप